जय गौ माता वंदे मातरम ज्योतिर्मय कुंडली सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी संस्थान द्वारा कैंसर रोगियों को एक विशेष औषधि दी जाती है, रक्त शोधक। रक्त शोधक एक क्वाथ है, काढ़ा है। उसको बनाने के लिए विशेष आपको गोमूत्र की आवश्यकता होती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है देशी गौ माता का गोमूत्र जो लेना है, गाय कैसी होनी चाहिए या देशी गाय कैसी होती है। आज हम उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस गाय का गोमूत्र लेना है रक्त शोधक बनाते समय। तो आप देख सकते हैं ये देशी गौ माता है। देशी गौ माता की पहचान आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं, उनका कुंभ होना चाहिए। आप कुंभ देख सकते हैं, कुंभ देख सकते हैं, कुंभ है उसी गौ माता का गोमूत्र आप ले। उसके बाद कुंभ से ये देख सकते हैं सूर्य केतु नाड़ी, कुंभ के ऊपर आपको दो दिखाई दे रही है, सूर्य केतु नाड़ी है। तो जिस गाय के ऊपर कुंभ होता है उस गाय का आपको गोमूत्र का सेवन करना है। देशी गौ माता की एक विशेष पहचान है गले की झालर। गले की झालर आप जो देख सकते हैं ये झालर गौ माता में होनी चाहिए। उसके बाद में इस गौ माता की नाभि हो उस गौ माता के गोमूत्र का सेवन आपको करना चाहिए। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। गौ माता किसी भी रोग से पीड़ित ना हो, गौ माता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, गौ माता जहाँ भी जिसे भी भाई के घर में है गौशाला में है स्वस्थ हो, अच्छे से खाने वाली हो, इस विशेष बातों का ध्यान रखना है। और कुछ नियम हम संस्थान से आप बताते हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो गौमूत्र का प्रयोग नहीं करना है। अभी आप गौमूत्र ले आपको विशेष ध्यान रखना है, नीचे गिरा हुआ गौमूत्र कभी नहीं लेना है, किसी कुंडी के अंदर भरा हुआ गौमूत्र नहीं लेना है। देशी गौ माता का गौमूत्र लेने का सबसे सही तरीका है आपका जो जार है कांच का जार है, विशेष कांच के जार में ले। कांच का जार जब भी गौ माता गौमूत्र करते हैं तो डायरेक्ट आपको पीछे लगाना है, जिससे गौमूत्र डायरेक्ट कांच के जार में आना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। गौमूत्र जब भी ले गौमूत्र को ताज़ा गौमूत्र को करना है, प्रयोग करना है। गौमूत्र दो घंटे से ज़्यादा रखा हुआ गौमूत्र कभी प्रयोग ना करें। तो आपका जो संशय था वो मैंने दूर किया कि भाई जब भी आपको आरोग्य क्वाथ रक्त शोधक बनाते समय जो गौमूत्र का सेवन करना है, गौमूत्र का प्रयोग करना है, वो आपको इन्हीं देशी गौ माता के गौमूत्र का प्रयोग करना है। देशी गौ माता होनी चाहिए, कलर का कोई भेद नहीं है, कलर काला भूरा लाल कैसा भी हो सकता है। आप ये ना समझिए कि सफ़ेद कलर की गाय ही होनी चाहिए, नहीं, ये थारपारकर गौ माता है, इनका कलर ऐसा ही होता है। लेकिन आपके जगह आप जिस जगह है चाहे गिर हो चाहे राठी हो कोई भी नस्ल हो उसका ले सकते हैं। ध्यान रखना है देशी गौ माता होनी चाहिए। जय गौ माता वंदे मातरम। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।